नमस्कार परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और ज्यादा शेयर लाइक कमेंट करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने आज नई जानकारी के साथ एनआईए सुरक्षा एजेंसी के द्वारा इनामी आतंकवादियों के नामों को बतलाया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने सुबह खाली पेट हल्का गर्म पानी पीने के फायदे के बारे में जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज भारत में पाकिस्तान के 23 अपराधी हैं वांछित। इनके सिर पर है 1 से 10 लाख तक का इनाम। भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए वांछित अपराधियों की एक सूची बनाती है। इसमें वो अपराधी शामिल होते हैं जो जिनके बारे में माना जाता है कि वे बड़े पैमाने पर किसी वारदात या अपराध को अंजाम देते हैं। सिर्फ यही नहीं, एजेंसी इन वांछितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पकड़ना चाहती है। यह सूची जनता को भी सतर्क करती है। सबसे पहले फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऐसे वांछित अपराधियों की सूची बनाई थी। एनआईए की सूची में पाकिस्तान के 23 आतंकवादी शामिल हैं। बहरहाल एनआईए की सूची में कुछ ऐसे भगोड़े अपराधी शामिल हैं जिनके सिर पर इनाम रखा जाता है। यह इनाम इनके बारे में जानकारी देने वाले मुखबिरों या पकड़वाने वाले लोगों को मिलता है। जांच एजेंसी ने ऐसे कुछ अपराधियों पर 1 लाख से लेकर 10 लाख तक रुपए का इनाम रखा है। आइए जानते हैं किस श्रेणी में कितने अपराधी हैं। 10 से 9 लाख। 10 से 9 लाख इनाम वाले श्रेणी में 4 अपराधी हैं। इनके नाम संदीप वी डांगे, एसएल लेफ्टिनेंट जनरल निक्की सुमी, जुनेद अकरम मलिक और अबू बिलाल हैं। संदीप वी डांगे उर्फ वासुदेव उर्फ परमानंद उर्फ अश्विनी टीचर है। यह भगोड़ा मालेगांव बम धमाके का आरोपी है। भगोड़ा एसएल लेफ्टिनेंट जनरल निक्की सुमी उर्फ निकिट सेवा पर भारतीय सेना की मणिपुर की 6 डोगरा रेजिमेंट के काफिले पर घात लगाकर अंधाधुंध गोलीबारी और विस्फोटकों का उपयोग करने का आरोप है। इसमें 18 जवान शहीद हो गए थे जबकि 15 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भगोड़े जुनेद अकरम मलिक पर 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट नंबर 4 और 5 पर विस्फोट करने का आरोप है। इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। अबू बिलाल उर्फ गुलाम सरवर उर्फ फिरदौस उर्फ राजू पर भी दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट नंबर 4 और 5 पर विस्फोट करने का आरोप है। इसे भगोड़ा घोषित किया गया है। 8 से 7 लाख। 8 से 7 लाख इनामी वाली श्रेणी में 2 अपराधी हैं। इनका नाम थिप्री तिरुपति और स्टारसन लामकांग है। थिप्री तिरुपति उर्फ देबूजी उर्फ देवोजी उर्फ संजीव उर्फ चेतन उर्फ सेसु उर्फ जगन उर्फ देवन्ना पर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रखने का आरोप है। भगोड़ा अपराधी प्रतिबंधित संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का सदस्य है। अपनी साजिश के चलते उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों में विस्फोटक पदार्थ प्रतिबंधित हथियार और गोला बारूद और भारी मात्रा में धन एकत्रित किया। भगोड़े स्टारसन लामकांग पर भारतीय सेना की मणिपुर की 6 डोगरा रेजिमेंट के काफिले पर घात लगाकर अंधाधुंध गोलीबारी और विस्फोटकों का उपयोग करने का आरोप है। इसमें 18 जवान शहीद हो गए थे और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 6 से 5 लाख की श्रेणी। 6 से 5 लाख इनामी वाली श्रेणी में 6 अपराधी हैं। इनके नाम रमेश छत्री मयूम नोयन सिंह नमोइजम ओकेंद्र सिंह जलाल मंडावी भगत हेमला और गोपाल सिंह है। 4 से 5 लाख की श्रेणी। 4 से 5 लाख इनाम वाले श्रेणी में 10 अपराधी हैं। इनके नाम रमेश विष्णु गोयारी थोडम सुमरेंद्र सिंह छत्री मयूम नोयन सिंह नमोजाइम ओकेंद्र सिंह थोडम थोइबा एस मंगल जलाली मंडावी भगत हेमला और गोपाल सिंह है। 3 से 4 लाख की श्रेणी। 3 से 4 लाख इनामी श्रेणी में 8 अपराधी हैं। इनके नाम अशक अहमद नेगरू एस एम ब्रिंग अकाहो विष्णु गोयारी इकास सुमी थोडम सुमेंद्र सिंह थोडम थोइबा एस मंगल अक्रामांजी हैं। 3 से 2 लाख की श्रेणी। 3 से 2 लाख की इनाम वाले श्रेणी में 29 अपराधी हैं।
इनके नाम पुकर बम समानंद सिंह, क्षत्रिय मयूम ब्रोजन, खुरे जम मैपक, उगैतो अचुमी एस एम खुतोहो, मय मंगलम शिरोमणि, खोईजम इवोचोवा, थोक्कम निंगथेवा, वासिक महेश सुंदरी, अस्काक अहमद नेंगुरु, एस एस ब्रिड अकाहो, स्वंग विजित इगंती कथार, विनोद मुसाहरे, इसाक सुमी, थोमचोंग गांधी, अंगोम सयाना टोम्बा, लेसराम सिमोन, नमेराकम ननाहो रघु, नोंग मैथन प्रेमानंद, लेसराम जिनेह और मोइदर थनबेन उत्तम है। 2 से 1 लाख की श्रेणी, 2 से 1 लाख इनाम वाले श्रेणी में 31 अपराधी हैं। इनके नाम वासिक संवाद, महेंद्र सुंदरी, सोंग विंगति कथारी, विनोद मुसाहरे, थोक्चम गांधी, अंगोम सना तुम्बा, लेसराम सिमोन, नमेरा कवम ननाउ रघु, नोंग मैथम प्रेमानंद, लेसराम जिनेह, मोईरंग थेम उत्तम, पुकराबम समानंद सिंह, क्षत्रिमयुम ब्रोजन, खुरेजम मैपक, कुगैतो अचुमी एम एस खुतोहो, मयन गलम्बन शिरोमणि, कोईजम इवोचोमा, थोक्सोम निंगथेमा, मंगली कोशा आती, कोरसा सन्नी, लक्ष्मी मदोरियम, सोमी पोट्टम, कोरसा लद्दू, सरिता काकेम, कुंभा कांडे और सबीर खान पठान हैं। 1 लाख की श्रेणी, 1 लाख के नाम वाले श्रेणी में 18 अपराधी हैं। इनके नाम सवाद, जुलमुरी, श्री नू बाबू, शौकत, जयप्रकाश, रुद्र पाटिल, सारंग अकोलकर, शरीफुल इस्लाम, जहीरुद्दीन, नूर मोहम्मद, मंगली कोशा, मद्दा मदकमी आती, कोरसा सन्नी, लक्ष्मी मोदेरियम, शोमी पोट्टम, कोरसा लखू, सरिता काकेम और कुंभा कोंडे है। सूची में है पाकिस्तान के 23 अपराधी। एनआई के सूची में पाकिस्तान के 23 अपराधी शामिल हैं। इनके नाम वाली, अमीर जुबैर सिद्दीकी, जावेद, मुक्ति अक्सर, मौलाना अब्दुल रऊफ, कारी जरार, अबू तलहा अब्दुल्ला, राशी अब्दुल्ला, सैयद मोहम्मद सम्मी, मेजर इकबाल, इलियास कश्मीरी, सैयद अब्दुल रहमान हाशमी, मेजर समीर अली, साजिद माजिद, हाफिज मोहम्मद सईद, सोयब नूर, अमीर नूर, अबू बिलाल, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इस्लाम, महसूद अजहर और मुफ्ती रऊफ असगर हैं। एनआई की सूची में वांछित शामिल अपराधियों में महसूद अजहर, जाकिर नाइक, डेविड कॉलमैन हेडली से लेकर सलालुद्दीन तक के नाम शामिल हैं। मसूर अजहर आतंकी संगठन जैसे मोहब्बत का संस्थापक और सरगना है। भारत ने उनकी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की वजह से उन्हें वांछित अपराधियों के सूची में रखा हुआ है। वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में काफी सक्रिय है। घाटी में होने वाले ज्यादातर हमलों में उनके संगठन का हाथ होता है। 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसे वैश्विक आतंकी घोषित किया था। डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक, नाइक एक इस्लामिक प्रचारक है। उस पर आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग करने का आरोप है। उस पर घृणित भाषण देने, सामुदायिक वैमनस्य पैदा करने और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। 2016 में वो भारत छोड़कर भाग गया था। वर्तमान में उसके उद्देश्य भारत, बांग्लादेश, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया में आतंकवाद रोधी या नफरत विरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित है। डेविड कोलमैन हेडली, डेविड पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी आतंकवादी है। उसने 2008 में मुंबई हमले के लिए आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए जासूसी की थी। वर्तमान में वो अमेरिका की जेल में सजा काट रहा है। मुंबई हमले में लगभग 164 लोग मारे गए थे। 2008 में ही उसने कोपेनहेगन में डेनमार्क के अखबार जाइलैंडर्स पोस्टन के खिलाफ हमले की योजना बनाई थी, क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून प्रकाशित किया था। सैयद सलालुद्दीन, सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह, जिसे आमतौर पर सैयद सलाहुद्दीन के तौर पर भी जाना जाता है, यह कश्मीर में सक्रिय
हिजबुल मुहादीन का सरगना है। 26 जून 2017 को अमेरिकी विदेश विभाग ने सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकवादी के तौर पर नामित किया था। हाफिज सईद, हाफिज मोहम्मद सईद एक पाकिस्तानी आतंकवादी और आतंकवादी संगठन लश्कर ए तौबा का संस्थापक है। इसके अलावा वो आतंकी संगठन जमात उद दावा का भी सरगना भी है। अमेरिकी सरकार ने उसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। मुंबई हमले में उसकी मुख्य भूमिका है। इस हमले में 164 नागरिक मारे गए थे। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। सुबह खाली पेट इस तरीके से करें पानी का सेवन, मिलेंगे ये 5 जबरदस्त फायदे। सुबह खाली पेट हल्का गर्म पानी पीना सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी और गुणकारी है। सभी को पूरे दिन में कम से कम 5 बार गर्म पानी पीना ही चाहिए। और वैसे भी इस कोरोना काल में तो आयुष मंत्रालय भी गर्म पानी पीने की सलाह दे रहा है। वैसे तो पानी हर मायने में गुणकारी है, क्योंकि अगर आप थकान या कमजोरी महसूस करते हैं तो आपके लिए सही मात्रा में पानी पीना बहुत ही जरूरी है। इससे काफी फायदा मिलेगा। अगर आप बात करें हल्के गर्म पानी की तो वो भी शरीर से जुड़ी अनेक बीमारियों को दूर करता है। वैसे तो गर्म पानी को दिन में किसी भी समय और कभी भी पीना लाभदायक है, लेकिन जब आप इसको सुबह खाली पेट पिएंगे तो इसके और भी ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। गर्म पानी पेट को करता है साफ। सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। इससे आप अपने आप को पूरी तरह ताजा महसूस करेंगे। आपका मन दिन भर तनाव मुक्त रहेगा, क्योंकि पेट की समस्याओं से ही हमारे शरीर में काफी परेशानियां पैदा होती हैं। भूख ना लगने की शिकायत को करता है दूर। कई लोगों को भूख ना लगने की शिकायत होती है। यह समस्या ज्यादातर पेट साफ ना होने के कारण ही होती है। भूख ना लगने पर गर्म पानी में नींबू के रस के साथ नमक व काली मिर्च डालकर पिए, इससे जरूर आपको फायदा मिलेगा। वजन घटाने में भी है सहायक। गर्म पानी बढ़ते वजन को भी घटाने के लिए रामबाण उपाय की तरह काम करता है। इसके रोजाना इस्तेमाल से आप भी अपने बढ़ते वजन से छुटकारा पा सकते हैं। गर्म पानी के सेवन से वजन कम करने में काफी हद तक मदद मिलती है। बनी रहती है चेहरे की रौनक। गर्म पानी पीने से चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती और चेहरे की रौनक भी हमेशा बनी रहती है। गर्म पानी का सेवन आपके बालों को भी जल्दी सफेद होने से रोकने में सहायता कर सकता है। थकान से मिलती है राहत। अक्सर आप देखते होंगे कोई काम करने के बाद थकान भी महसूस होने लगती है। इससे निजात के लिए आप गर्म पानी में शहद और नींबू डालकर पिए। इससे शरीर की सारी थकान दूर हो जाएगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करने लगेंगे। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।